हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू हेल्दी इंडिया चैनल। आज हम जानेंगे अपनी ही एक ऐसी गलती के बारे में जो ज़्यादातर लोग करते हैं, यानी अपने हाथों से ही हम इतनी कीमती चीज़ को फेंक देते हैं। घबराइए नहीं, इसके बारे में हम बिल्कुल डिटेल से बात करने वाले हैं। आप लोग भुट्टे का सेवन तो करते होंगे, लेकिन भुट्टे यानी कॉर्न में जो रेशे निकलते हैं उसे हम अपने हाथों से ही फेंक देते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि ये एक ऐसी औषधि है जिसका इस्तेमाल बरसों से किया जा रहा है और ये कॉर्न सिल्क आपकी बीमारियों को ट्रीट करने में बहुत हेल्प करते हैं। लेकिन हमें इसके बारे में जानकारी नहीं होती, जिसकी वजह से हम इतनी कीमती चीज़ को अपने हाथों से फेंक देते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसके 15 ऐसे फायदों के बारे में बात करेंगे जो अब तक आप लोगों को नहीं पता होगा, आई गारंटी। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि ये औषधि आपको निरोगी रखने में बहुत हेल्प करेगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका स्वागत है, और आप चाहते हैं आगे भी आपको इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस फैमिली का पार्ट बने, और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आगे हमारी जो भी वीडियो होंगी वो आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। तो चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। कॉर्न सिल्क यानी भुट्टे के बाल, यानी भुट्टे के ऊपर जो फाइबर होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। इस औषधि का इस्तेमाल आयुर्वेद के अलावा चाइनीज मेडिसिन में भी किया जाता है। ये बहुत ही प्राचीन औषधि है। तो आज के बाद जब भी आप भुट्टे का इस्तेमाल करें, उसके ये फाइबर्स को एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लें और इसे बिल्कुल भी ना फेंकें। ये रेशे बहुत ही कीमती है। ये आपकी बहुत सारी बीमारी को ईजिली ट्रीट कर सकते हैं। नंबर वन, अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, जो कि आजकल बहुत सारे लोगों को है, तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में ये रेशे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ये हमारी बॉडी में जाकर पैनक्रियाज को एक्टिवेट करके इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ाएंगे, जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल लो हो जाएगा। यानी अगर आप चाहते हैं आपकी डायबिटीज़ नेचुरली कंट्रोल रहे को ये औषधि का इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर टू, कॉर्न सिल्क यानी भुट्टे के बाल आपकी किडनी के लिए अमृत के समान है। ये किडनी की जड़ से सफाई करेंगे। इसके अलावा अगर आपको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है, यानी पथरी की समस्या है, तो आपको इसकी चाय का सेवन जरूर करना चाहिए। ये पथरी को तोड़कर यूरिन के रास्ते फ्लश आउट कर देगा। इसकी चाय हमें कैसे बनानी चाहिए ताकि इसके 100% बेनिफिट हमें मिले, ये इस वीडियो के एंड में बताया गया है, इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। नंबर थ्री, अगर आपको स्किन से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर है, लाइक सोराइसिस की प्रॉब्लम है, तो भी आपको कॉर्न सिल्क की चाय बनाकर लेनी चाहिए। ये ब्लड को प्यूरीफाई करेगा और बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन लेवल को इम्प्रूव करेगा, जिसकी वजह से आपको त्वचा से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम हो वो ईजिली सॉल्व हो जाएगी। नंबर फोर, ये हार्ट के लिए एज अ टॉनिक है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ही अच्छी अमाउंट में पाए जाते हैं, जो आपकी हार्ट को हेल्दी रखेंगे, प्लस आर्टरीज को क्लीन रखेंगे, जिससे आप खुद को हार्ट अटैक जैसी बड़ी प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। नंबर फाइव, इस बेकार से दिखने वाले रेशो में इतने सारे मिनरल्स और विटामिन्स पाए जाते हैं, जो आपकी हड्डियों को मजबूत बनाएंगे। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस अच्छी मात्रा में पाया जाता है। नंबर सिक्स, इसकी चाय का सेवन करने से लीवर हेल्दी रहता है, यानी लीवर ईजिली डिटॉक्स हो जाता है। इन सब के अलावा ये लीवर से निकलने वाले बाइल जूस को इंक्रीज करता है, यानी ये हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका डाइजेशन हमेशा स्ट्रॉन्ग रहे, तो भी आपको इसकी चाय का सेवन करना चाहिए। इसमें मौजूद फाइबर डाइजेशन को इम्प्रूव करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर सेवन, अगर आप वेट लॉस करने की सोच रहे हैं, तो भी इस चाय का सेवन तो आपको जरूर करना चाहिए। इसमें इतने सारे मिनरल्स और विटामिन्स पाए जाते हैं, प्लस इसमें फाइबर अच्छी अमाउंट में पाया जाता है। यानी आप जब इसकी चाय का सेवन करेंगे तो आपकी टमी लंबे समय तक फिल रहेगी। नंबर सेवन, ये बॉडी को डिटॉक्स करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी ये आपके शरीर की जड़ से सफाई करेगा और शरीर में जो भी विषैले तत्व हैं, यानी जो भी टॉक्सिन है, उसे बॉडी से फ्लश आउट करेगा। तो ये सबसे अच्छी ड्रिंक है बॉडी को डिटॉक्स करने की। नंबर एट, ये इम्यूनिटी बूस्टर है। इसमें इतने सारे मिनरल्स और विटामिन्स पाए जाते हैं, जो कि आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेंगे और डे टू डे होने वाली प्रॉब्लम से बचाएंगे। नंबर नाइन, इसमें विटामिन के अच्छी अमाउंट में पाया जाता है, यानी ये ब्लड को क्लॉट होने से बचाएगा। यानी आपके शरीर में कहीं भी ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है तो ये औषधि सबसे अच्छी मानी गई है। ये ब्लॉकेज को क्लीन करेगी
और ब्लड सर्कुलेशन लेवल को इम्प्रूव करेगी। नंबर 10, अगर आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है तो भी आपको इसकी चाय का सेवन करना चाहिए। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया, ये बॉडी से सभी विषैले तत्वों को, यानी बॉडी में जो भी टॉक्सिन है उसे बॉडी से बाहर करने का काम करता है। इसलिए अगर आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, इन दोनों ही कंडीशन में आपको इसकी चाय बनाकर लेना चाहिए। पेन किलर की तरह वर्क करता है। इसके अलावा ये एंटी इन्फ्लामेटरी है, यानी बॉडी में कहीं भी स्वेलिंग की प्रॉब्लम हो तो भी ये उसे नेचुरली ट्रीट करेगा। नंबर 11, ये आपकी बालों की ग्रोथ को इंक्रीज करने की एक बहुत अच्छी औषधि है, आपको इसकी चाय का सेवन करना चाहिए। नंबर 12, इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अच्छी अमाउंट में पाए जाते हैं, जैसे विटामिन B1, B2, B3। इन सब के अलावा इसमें विटामिन ए और विटामिन सी भी पाया जाता है, जो कि ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यानी अगर आप इसकी चाय का सेवन करते हैं तो आप खुद को स्ट्रेस से बचा सकते हैं। नंबर 13, ये डायूरेटिक है, यानी अगर आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम है जो कि मेनली किडनी की वजह से होती है, तो उस कंडीशन में भी आपको इसकी चाय का सेवन करना चाहिए। ये बहुत कमाल की औषधि है, ये वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व करेगी। नंबर 14, आजकल हाई बीपी की प्रॉब्लम ज़्यादातर लोगों को है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ही कुछ ऐसा हो गया है। इसे ट्रीट करने के लिए आपको पोटेशियम रिच फूड लेने चाहिए। ये औषधि भी उनमें से एक है। इसमें पोटेशियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो कि बीपी को नॉर्मल करता है। अगर आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो आप इसकी चाय बना कर लें। नंबर 15, अगर आपको कफ और कोल्ड जैसी प्रॉब्लम है तो भी आप इसकी चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका नेचर गर्म है, जिसकी वजह से अगर आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा म्यूकस की प्रॉब्लम है तो भी ये उसे फ्लश आउट कर देगी। तो इसके इतने सारे फायदे जानने के बाद आई एम श्योर आप इसे आज के बाद तो नहीं फेंकने वाले। देखिए, इसके इतने सारे फायदे जानने के बाद अब बारी आती है इसके कुछ नुकसान जानने के, यानी किसे इसका सेवन नहीं करना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडी और लैक्टेटिंग मदर को इसे अवॉइड करना है। इसके अलावा अगर आपको लो बीपी की प्रॉब्लम है तो आप इसे अवॉइड करें, या फिर आपका ब्लड शुगर लेवल लो है तो आप इसे अवॉइड करें। इन सब के अलावा अगर आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे कि आप ब्लड थिनर की मेडिसिन ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में तो आप इसे कम्प्लीटली अवॉइड करें, क्योंकि इसमें विटामिन के अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो कि आपके ब्लड को ऑलरेडी थिन करता है। तो आप याद रखें, ये एक औषधि है और औषधि का इस्तेमाल रोज नहीं करना चाहिए। इसे आप महीने में 3 से 4 बार भी यूज़ करेंगे तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली डिटॉक्स रहेगी। आपको कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा बॉडी की सफाई के लिए, ये खुद ब खुद आपकी बॉडी की सफाई कर देगा। लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल किसी प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए करना चाहते हैं तो आप इसे 1 वीक में 2 से 3 बार ले सकते हैं। बस याद रखें, इसका इस्तेमाल ज़्यादा क्वांटिटी में ना करें। आप इसे 5 से 10 ग्राम ही यूज़ करें। आप 1 गिलास पानी में 10 ग्राम तक भुट्टे के बाल यानी कॉर्न सिल्क को ऐड करें, और जब ये पानी आधा रह जाए तो इसे सिप सिप करके लें। इस चाय में आपको नींबू को ऐड करना है और शहद को ऐड करना है, तभी जाकर ये 100% बेनिफिट देगा। और हाँ, एक बात और याद रखें, इसका नेचर डायूरेटिक है, यानी जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको यूरिन बार बार जाना पड़ेगा, तो आप अपने वाटर इंटेक को इंक्रीज कर दें ताकि आपकी बॉडी में पानी की कमी ना हो। सो फ्रेंड, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला हो और आप आज के बाद भुट्टे के बाल यानी कॉर्न सिल्क को बिल्कुल नहीं फेंकेंगे। सो फ्रेंड, दैट इज इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक माई सेशन। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज सब्सक्राइब इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, हैव अ गुड डे।